हाय, आई एम एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट नेम चेंज गजट कैसे निकलता है। अगर आपने कंप्लीट नेम चेंज करवाना है, फॉर एग्जांपल मेरा नाम सुरेश कुमार है, मुझे साहिल कुमार करवाना है, ये मेरा कंप्लीट नेम चेंज हो गया। अब इस केस में जो गजट नोटिफिकेशन है वो कैसे बनेगा और कहां से बनेगा, देखिए बनेगा तो ये दिल्ली ऑफिस से ही, दिल्ली में आपको फाइल लेकर के जानी पड़ेगी गजट की फाइल बनाने के बाद। तो यहाँ पे कुछ सवाल है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। देखिए आपके दो डॉक्यूमेंट चाहिए, आपके पुराने नाम के ही चाहिए क्योंकि नए नाम के पास आपके पास ऑब्वियसली नहीं होगा। उन दो डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपकी जो गजट की फाइल बनती है, गजट की फाइल बनाने का सबसे पहला चीज तो यह है कि आपको एफिडेविट बनवाना है जिसमें आप अपने पुराने नाम के साथ साथ नए नाम की डिटेल दोगे, अपना नाम एड्रेस वगैरह सारा कुछ इसमें मेंशन करोगे। और उसके बाद में आपने क्या करना है, उसको नोटरी से टेस्ट करवा लेना है अगर सरनेम नहीं लगा रहे हो तो। ओके, अगर सरनेम लगा रहे हो तो उसको एसडीएम से टेस्ट करवा लेना है। उसके बाद आपने एक न्यूज़पेपर में ऐड देनी है, वो न्यूज़पेपर आपके लोकल एरिया का होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि दो न्यूज़पेपर में ऐड देनी है, लेकिन नहीं, गजट नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए जो कंप्लीट नेम चेंज का गजट नोटिफिकेशन है या फिर सरनेम का, सभी का जो प्रोसेस है सेम रहता है। सिर्फ एक न्यूज़पेपर की जरूरत पड़ती है, दो की जरूरत नहीं पड़ती है। एक आपके रीजनल जो भी आपके एरिया में न्यूज़पेपर आ रहा है उसमें अपने न्यूज़पेपर में ऐड देनी है। उसमें आप क्लैरिफाई करोगे ये नाम से चेंज करके आपने अपना ये नाम कर दिया, और साथ में अपना एड्रेस भी मेंशन करोगे जो न्यूज़पेपर की ऐड रहेगी। न्यूज़पेपर की ऐड बन जाती है, फिर आपकी गजट फाइल के कुछ यहाँ पे दो परफॉर्मे होते हैं जहाँ पे दो विटनेसेस के साइन होते हैं जो कि आपके डिटेल्स को वेरीफाई करते हैं, उनकी डिटेल्स ऐड की जाती है। दो भी विटनेसेस होते हैं, विटनेसेस की डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद एक यहाँ पे डिजिटल सीडी बनती है जिसमें आपके नेम चेंज का मैटर डाला जाता है, एग्जैक्ट वही मैटर जो कि नोटिफिकेशन में आउट होना है। उसमें अपने साइन नहीं करने होते हैं, विटनेसेस का साइन नहीं करवाने होते हैं, उस मैटर को सीडी में डाल दिया जाता है। सीडी में डालकर साथ में सर्टिफिकेट बनता है, सर्टिफिकेट बनने के बाद जो आपका पूरा फाइल रेडी होता है, साथ में कंट्रोलर पब्लिकेशन को हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं, उसमें लिखते हैं कि जो हमारा ये नेम चेंज का नोटिफिकेशन है वो गजट के पार्ट फोर जो वीकली यहाँ पे गजट पब्लिश होता है उसमें हमारा जो नोटिफिकेशन है वो पब्लिश कर दिया जाए। नीचे हम अपने साइन करते हैं, अपनी डिटेल्स को ऐड करते हैं। तो इस तरीके से पूरी की पूरी ये फाइल बनती है। लोगों को ये तो पता चल जाता है कि हमने कंप्लीट नेम चेंज करवाना है, सरनेम लगवाना है, हटवाना है, हमको गजट की फाइल बनानी है, नोटिफिकेशन निकलवाना है, लेकिन गजट की फाइल बनाए कैसे। बहुत यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक है, लोग किसी एजेंट के थ्रू अपना काम करवाना शुरू कर देते हैं, फाइल जमा हो जाती है, वहाँ पे ऑब्जेक्शन और रिजेक्शंस आती हैं। कई बार तो हमने ऐसा देखा है कि वो जो एफिडेविट है, जो भी पूरी की पूरी फाइल होती है, वो क्या करते हैं, वो अपने नए नाम से स्टार्ट कर लेते हैं और उसमें पुराने नाम की डिटेल दे देते हैं। एक चीज़ आपको बता करके जा रहा हूँ, जितनी भी फाइल बनेगी, जितने भी यहाँ पे हर जगह पे जो भी यहाँ पे आपके नाम से डॉक्यूमेंट रहने वाला है वो पुराने नाम से ही रहेगा। इवन जो गजट ऑफ इंडिया में नोटिस पब्लिश होगा, नीचे कंप्यूटराइज्ड साइन आएंगे, वो भी साइन आपके पुराने नाम से रहने वाला। ध्यान दीजिए, अब तक आपका नाम चेंज नहीं हुआ है, नया नाम अब तब यूज कर पाओगे जब नोटिफिकेशन बन जाएगा। नोटिफिकेशन के बाद आप नया नाम यूज कर सकते हो, उस नोटिफिकेशन की मदद से आधार, पैन कार्ड, पासवर्ड में आप अपना नाम चेंज करवा सकते हो। तो ये सिंपल सारा प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई होता है, और यहाँ पे 1100 की रुपए की आपने फीस पे करनी होती, जो कि जब फाइल जमा करवाने जाओगे तब भी पे कर सकते हो, या फिर घर बैठे bharatkosh.gov.in की वेबसाइट के ऊपर भी जाकर के फीस को पे कर सकते हो। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हमने काफी सारे वीडियोस में पहले भी रिपीट किया है, और इस वीडियो में मैंने काफी सिंपलीफाइड तरीके से इसको रखा है। और ये जो भी फाइल बनेगी, कई बार लोगों को ये होता है कि ये फाइल कहाँ से बनवाए, तो फाइल आपको किसी भी एडवोकेट से बनवानी है। आप एजेंट्स को अवॉइड कीजिए क्योंकि उनको कई बार मैटर में पता नहीं होता, जो भी आपका केस है, जो भी आपका सीन है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, उसके हिसाब से आपका मैटर बनेगा, आपकी फाइल बनेगी, आपका एफिडेविट बनेगा, न्यूज़पेपर का मैटर बनेगा। कई बार हमारे मार्कशीट में नाम में प्रॉब्लम होती है, या हमारे पेरेंट्स के नाम में प्रॉब्लम होती है, कई बार जो बच्चे की एज होती है 18 साल से कम होती है जिसके नाम में हमने चेंज करवाना है, वो पूरा मैटर ही अलग बनता है। इवन पब्लिक नोटिस का अगर मैटर है तो 1400 की फीस लगेगी, माइनर का है तो 1700 की फीस लगेगी। अगर आपने किसी एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ इस काम को नहीं करवाया, या गलत गजट भी बनवा ली तो भी वो आपके किसी काम का नहीं है। कोई ऑब्जेक्शन लगे, घर पे लेटर आ जाएगी, तो भी किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल किसी एक्सपर्ट आदमी से इस फाइल को बनवाएं। और अगर आप हमसे फाइल बनवाने के बारे में, या फाइल बनवाना चाहते हो, तो आप मेरे से फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हो। फ़ोन पे कांटेक्ट करने का, बात करने के लिए यहाँ पे कंसल्टेशन आपको बुक करना पड़ता है, जिसका प्रोसेस नीचे दिया गया है, जिसके लिए
हम एक छोटी सी अमाउंट जो चार्ज करते हैं और वो भी अगर हमसे कोई काम करवाते हो तो उसमें हम माइनस कर देते हैं। और जैसे कि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, हर एक स्टेप को हमने अपने पुरानी वीडियोस में कवर कर रखा है, तो कोई नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। अगर कोई आपका मैटर है, सीरियस है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, पासपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही है, मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपको कोई काम रुका हुआ है, किसी वेरिफिकेशन में फंस रहे हो, उन सब ऐसा कोई भी दिक्कत है, आधार कार्ड में नाम नहीं चेंज हो पा रहा है, कोई भी दिक्कत है, तो आप कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के डायरेक्टली मेरे से फोन पे बात कर सकते हो और जो भी यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन रहता है वो हमको आपको यहाँ पे हम गाइड कर देते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें अभी क्लियर हो गई किस तरीके से गजट की फाइल बनती है। जो आप फाइल जमा करवाते हैं 30 से 40 दिन के अंदर नोटिफिकेशन हमारा बन करके आ जाता है। जब नोटिफिकेशन बन करके आ जाता है उस नोटिफिकेशन को प्रिंट निकाल करके उसको हमने जहाँ जहाँ कहीं पे भी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, जहाँ कहीं भी नाम चेंज करवाता है, वहाँ पे हम उन डॉक्यूमेंट्स को लगवाते हैं, गजट को लगाते हैं और जो है हमारा काम हो जाता है और जो हमारा नाम है वो चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से आप फुल नेम चेंज गजट की फाइल बना करके गजट नोटिफिकेशन निकलवा करके अपना काम करवा सकते हैं। लास्ट में ये भी बोलूँगा कि ऑनलाइन मैटर उठाओगे बहुत सारी चीज़ें आपको गलत मिलेंगी, पुराने मैटर्स मिलेंगे और वो आपका काम वैसे भी नहीं होने वाला, तो यहाँ पे सही से फाइल तैयार होना चाहिए और एजेंट्स के चक्कर में ना पड़ें क्योंकि आपसे पहले कम अमाउंट बोल करके बाद में ज़्यादा अमाउंट वो लेते हैं और कई बार काम होता भी नहीं और घर पे आपके लेटर आ जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो फाइल जो है सही से बनाएं और किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति से फाइल बनवाएं। अगर कोई डाउट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, अगर मेरे से कोई चीज़ आपने कंसल्ट करनी डिस्कस करनी उसका प्रोसेस नीचे आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के मेरे से फोन पे बात कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नॉलेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल के ऊपर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।